वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक बाणी चैनल वेख रहे सारे ही दर्शकों हरविंदर सिंह वालों मैं दिल की गहराइयां तो स्वागत करता हाँ। दर्शकों, जिदा कि तुसी जानते हो, अज का जिहड़ा मेन कंसैप्ट है नौजवानी का, उन्नू किदां सेंध देनी है अते उन्हां तों जुड़ी हुई खबरां नू किदां आप जी तक लियाना है अते उन्हां दे मसलियां नू किदां चुक के सॉल्व करन दी एक कोशिश करनी है। आपां हमेशा ही उस चीज़ नू लैके तुहाडे तक रूबरू होंदे हाँ। जिदा कि आप जी सारे जानते हो, जेकर मैं गल करा जम्मू कश्मीर तो बाहर दी, तां जिहड़ी उत्थे दी नौजवानी है उन्हां दा रुझान ते काफ़ी देर पहला तो ही एबरॉड हो चुकिया सी, बाहर दे लई जाना उन्हां दा पहले तो ही शुरू हो चुकिया सी। जेकर मैं गल करा जम्मू कश्मीर दी, तां हुण जिहड़ा मौजूदा वक्त चल रहा उस दे विच काफ़ी सारे सिख नौजवान जिहड़े वीर हन वह बाहर दे लई ट्राई कर रहे हन, चाहे वह पढ़ाई दे लई होए या फिर रोज़गार दे लई होए। बेहद जरूरी मुद्दा सी, आपां सोचा कि इस दे उपर भी गल करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि साड़ी हमेशा कोशिश रहिंदी है कि साड़ी सोसाइटी नाल जुड़े हुए जिन्ने भी जरूरी कंसैप्ट हन उन्हां नू वध तों वध तुहाडे तक लिया के उन्हां नू सॉल्व करन दी एक अपने तरफ तों कोशिश करिए। उसी दे सिलसिले दे विच अज जम्मू कश्मीर, बेसिकली जम्मू दे विच एक क्रॉसलैंड इंस्टीट्यूट जिहड़ा खोलिया गया है, जिस दे विच आपां गलबात भी करांगे अते उन्हां नाल जिहड़े इत्थे दे इंचार्ज हन भैन जी होरी उन्हां नाल भी गल करांगे, ते स्पैशल तौर पर जिहड़े डॉक्टर डीजे सिंह जी हन उन्हां तों भी जाणांगे कि इह कारगुजारी किस तरह स्टार्ट कीती है और इत्थे पिछे दा मकसद की है और इह किदां सिख यूथ नूं जिहड़ा बेनीफिट देगी और उहनां दे मसलियां नूं सुलझाएगी। आप जी सारे जाणदे ही हो, क्योंकि साडा कंसैप्ट बिल्कुल नहीं हुंदा पब्लिसिटी दे लई या फिर कुछ ऐसे एड्स दे लई। साडा मकसद एको हुंदा है कि सोसाइटी नूं किदां आपां सुधार सकदे हां, उसे दे सिलसिले दे विच आपां अज इत्थे आया। सब तो पहला मैं एक बाणी चैनल ते तुहाडा जी आया नूं कहदा हां वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुण मैं चाहांगा कि अज दा जिहड़ा मेन कंसैप्ट उहदे लई तुहानूं पहले मुबारकबाद है। हुण जिदां तुसीं जाणदे हो कि नौजवानी साडी जम्मू कश्मीर दी बाहर नूं जा रही है, कई ऐसे हन जिहड़े घर बार बेच के भी एबरॉड दी लई कोशिश कर रहे हन, कई ऐसे भी हन कि अपना सारी जमीना बेचण तों बाद भी डोंकी दे थ्रू बाहर जांदे हन, लेकिन फिर भी ओह किधरे उधर जाके उहनां दी नौजवानी दरबदर हो जांदी है, ते की कहना चाहोगे इस दे उपर? सो सब तो पहले सारयां नूं सति श्री अकाल ते फतेह जी। जम्मू वासियां नूं अज साडे लई वी बहुत एक तो सुभाग वाला दिन है, असीं बहुत सिर तों चाह रहे सीगे कि जम्मू च आईए अपने सिख पीर भरावां नूं हैल्प करिए, उन्हां दे जो ड्रीम्स है फॉरन जाके एजुकेशन और सैटल होण दे उन्हां नूं रियलाइज करन च उन्हां दी हैल्प करिए। सो अज सानूं गुरदीप जी जो इत्थे साडे नाल पार्टनर हन उन्हां दे नाल मौका मिलिया थ्रू इत्थे सेंटर खोलण दा। सो क्रॉसलैंड एजुकेशन एंड करियर्स जो कि एक NRI बेस्ड साडा एक ऑर्गनाइजेशन है, साडे ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, UK, US साडे ऑफिसिज हैगे है, उत्थे साडे सारे सिख वीर भरा फैमिलीज़ दे प्रोफेशनल साडे नाल काम करते हैं। सो साडा जो ऑब्जेक्टिव है और सारे ही हाईली क्वालिफाइड और हाईली सैटल्ड फैमिलीज़ हैगियां जो सानू ये क्रॉसलैंड नूं सपोर्ट कर रही हैं डिवेलप करन दे विच, ताकि असी राइट तरीके दे नाल अपने सिख यूथ भैन भरावां नूं उत्थे जाके सैटल होण च हैल्प करिए, उन्हां नूं कोई मिस गाइड ना होवे, उन्हां दे नाल कोई फाइनैंशियल फ्रॉड ना होवे इस चीज़ के उत्ते, और उन्हां नूं बेस्ट कोर्स कॉलेज प्रोफेशन दे विच उत्थे यूनिवर्सिटीज़ दे विच एडमिशन्स मिलन। सो इस ऑब्जेक्टिव नूं लैके असी क्रॉसलैंड दी एस्टैबलिशमेंट कीती। मैं भी ऑस्ट्रेलिया रेजिडेंट रहा हाँ, फॉरन एजुकेटड एंड वर्क एक्सपीरियंस हैगा, साडा अपना चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स के उत्ते कॉलेज हैगा। सो असी भी 22 साल तो एजुकेशन दे विच काम कर रहे हैं और हुण जम्मू दे विच आके यही सर्विसिज देने लई असी इत्थे तुहाडे थ्रू लोगों तक पहुँच रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद एक बाणी चैनल दे कि उन्होंने साडा जिहड़ा मैसेज है पहुँचाने लई साडी हैल्प कर रहे हो। सो असी इत्थे जम्मू दे विच जी बहुत एडवांस टैक्नोलॉजी दे सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी बेस्ड इंग्लिश कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो पीयरसन जो कि वर्ल्ड की सब तो वड्डी कंपनी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दे नाल कोलैबोरेशन ते डिजिटल टैक्नोलॉजीज आ गई हैं, सारे जिहड़े हुण लैंग्वेज टैसट हैगे जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हुंदी है बच्चे नूं फॉरन जाके एजुकेशन लैण दे लई IELTS PTE टैसट देना पैंदा है। सो उहदे ओरिजिनल सॉफ्टवेयर दे बेस ते इत्थे असी कोचिंग शुरू कीती है। सो एक प्री लैवल असैसमेंट करते हैं बच्चों का, वो बेस से उन्होंने कितना टाइम लगेगा अपने जो डिजायर्ड बैंड्स है वो स्कोर लैने लई उहदी पूरी तैयारी है। नेटिव स्पीकर्स हैगे साडे कोल, एडवांस टैक्नोलॉजी दे नाल कोचिंग दिती है, और पिछले जिहड़े कुछ स्टूडेंट साडे तो जम्मू तो भी चंडीगढ़ आके कोचिंग लै रहे सी उन्हां दे बहुत ही अच्छे जिहड़े रिजल्ट्स आए है, वह भी साडे कोल एक तरीके नाल टेस्टिमोनियल हैगे बच्चों नूं प्रूव करन वास्ते। सो इस तरीके दे नाल असीं जम्मू हुण सर्विसिज दे सकदे हां, ताकि बच्चों नूं चंडीगढ़ आना तो उत्थे अलग तो खाण पीन का खर्चा, PG का खर्चा ना चुकना पवे, और इत्थे उन्हां नूं उही सेम टेक्नोलॉजीज इत्थे मिल सकन। सो गुरदीप जी जो कि पिछले 10 साल तो एजुकेशन च है, इन्हों का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के विच,
कोचिंग दे विच मैनेजमेंट दे विच सो वो भी साडे नाल जुड़े हैं तो इत्थे ही हुण बच्चों नूं बेस्ट सर्विसिज मिलनगियां और कोस्ट इफेक्टिव मिलनगियां और लेटेस्ट मिलनगियां। जो इत्थे टीम है फैकल्टी है उन्हां नूं असीं चंडीगढ़ तो नाल नाल रेगूलर अप ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, उन्हां नूं अपग्रेड्स दे रहे हैं, लेटेस्ट मटीरियल बच्चों नूं रिसोर्सिज दे रहे हैं। सो इस तरीके नाल जो बेसिक चीज़ है कि बच्चों नूं राइट कोर्स कॉलेज यूनिवर्सिटी मिले ताकि और राइट उन्हां दी वीज़ा प्रोसैस हो सके, सक्सैसफुल हो सके, वो चीज़ नूं सर्विसिज देने लिए असीं तुहाडे नाल इत्थे जुड़े हाँ। बिल्कुल, हुण मैं ये चीज़ जरूर जानना चाहवांगा कि इहदे विच कोई दोहरा ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर का जिहड़ा यूथ है वह बाहर नूं प्लैन कर रहा है, प्लैन करन दे नाल नाल प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती अज दे यूथ नूं। साडा भी फर्ज़ बनता है कि इस दे उपर जरूर गल करिए। जिदा मैं पहले स्टार्टिंग दे विच आख्या वीर जी कि फाइल्स रिफ्यूजल हो जांदियां, इन्ना पैसा खर्च करन तो बाद भी एक अच्छी सेंध नहीं मिल पाती, फिर वो दरबदर होना पैंदा साडे यूथ नूं, क्योंकि यह कूड़ा सच है अज का कि अगर मैं जॉब्स की गल करा उस दे विच भी अजकल यूथ नहीं जा पा रहा जिसके कारण वो बाहर दे कर रहा है। तो मैं चाहवांगा कि तुसी किदां कॉन्टैक्ट करोगे उन नौजवानों नूं अगर उन्हां दी फाइल रिफ्यूजल हो जाती है या डोंकर दे थ्रू जाते हैं वो सक्सैसफुल नहीं हो पाते या जिहड़ा उन्हां नूं एक माइंड सैट एक डीमोटिवेशन हो चुकी होंदी है कि आपां किहदे कोल जा के सेंध लैनी है। एक मैं सोचांगा कि उस परमात्मा का एक कंसैप्ट ही है, एक वधिया तरीका ही जिहड़ा अज जम्मू दे विच इह चीज़ खुल्लिया ते तुसी इस तरह उन्हां नाल किदां कॉन्टैक्ट करोगे ते किस तरह उन्हां नूं गाइड करोगे। हाँ जी, सो गुरदीप जी भी इत्थे अवेलेबल रहेंगे ते मैं ऑन एंड ऑफ चंडीगढ़ तो इत्थे विजिट्स करांगा ताकि बच्चों नाल फेस टू फेस डिस्कशन हो सके। सो पहली गल है कि जो असी काम करते हाँ उहदे विच कोई भी असी बच्चों नूं फाइनैंशियल लॉस होने तो नहीं देंगे, असी कोई भी फीसिस बच्चों तो डायरैक्ट नहीं लेंदे, कॉलेज यूनिवर्सिटी तो मतलब बच्चे के पेरेंट्स या उन्होंने अकाउंट्स चो फीसिस कॉलेजिज़ नूं डायरैक्ट जांदियां हन। सो इन केस ऑफ एनी किधरे भी वीज़ा ऑफिसर का डिसीजन फाइनल डिसीजन होंदा है, रिफ्यूजल भी आती है तो बच्चों के पैसे बिल्कुल सेफ रहिंदे आ। एक तो वह किसी भी तरीके दी विच कोई भी साढ़े इत्थे मतलब इन बिटवीन मनी का कोई लॉन्ड्रिंग का कोई सिस्टम है ही नहीं, असी काम ही नहीं करते उस चीज़ से। सो तुहाडे मीडियम के राही भी यही मैं बच्चों नूं शोरस देना कि कोई भी साढ़े बिहाफ से भी तुहानूं इह गल करे तो उस विच बिल्कुल बिलीव नहीं करना। जो भी तुहाडियां पेमेंट्स हैगियां वो डायरैक्ट कॉलेज यूनिवर्सिटीज आंदियां और उत्थों ही तो अगर तुहाडा कोई डिसीजन नहीं आता तो वापस आंदियां। उस तो अलावा जितों तक बच्चों के जिन्हों के रिफ्यूजल आए हुए हैं उहदे लई भी साडी जिहड़ी टीम है चंडीगढ़ है, मैं हाँ, असी सारे प्रोफेसनली ट्रेनड हैगे हैं, सर्टिफाइड हाँ फ्रॉम कैनेडा गवर्नमेंट तो, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट तो, यूके तो लाइसेंस होल्डर है असी, साढ़े जिन्हें भी टीम मैंबरस है आइदर उन्होंने एजुकेशन लिती हुई है या बाहर काम किया हो नाल वापस आए हैं। साढ़े ऑस्ट्रेलिया कैनेडा जिहड़े ऑफिसिज़ है उस हर टाइम बेस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ट रूल्स रेगुलेशन जो चल रहे हैं वो असी अपग्रेड रहने। सो इस तरीके कोशिश यही होंगी है कि हर बच्चे नूं राइट ते जेन्युइन एडवाइस मिले। कई केसिस असी कह भी सकते हैं, हाथ भी जोड़ सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं कि वीर जी नहीं काम हो सकता तो अपना प्रोफाइल नूं आपां इंप्रूव करना है या अपने कोई वीकनेस है आपां नूं कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करके एडवांस कोर्स करके फिर आपां अपना प्रोफाइल बिल्ड करके जाइए, उहदे च वीज़ा अच्छी तरीके नाल आएगा। तो इस तरीके की भी पूरी गाइडेंस असी जरूर देंगे। सो कोशिश करांगे कि हर तरीके नाल कुछ साढ़े कोल यूनीक प्रोग्राम्स हैं जिवें पाथवे प्रोग्राम्स हैं, गैप फिलर्स हैगे है, बच्चों के प्रोफाइल बिल्ड करके असी उन्होंने माइग्रेशन ट्रांसफर कर सकते हैं। चंडीगढ़ जिहड़ा साडा कॉलेज है इंटरनेशनल कॉलेज है वह भी इस चीज़ काफ़ी हैल्प करता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी। तो मैं जिदा पहले ही कहा कि अगर रिफ्यूजल आता है या कुछ ऐसे मिसकनसैप्शन हो जाती हैं तुहाडी फाइल्स दे विच ते साडा मकसद रहिंदा है कि किस तरह अगर कोई काम नवा स्टार्ट कर रहा है तो इंसानियत के तौर पर वो सिख युवाओं को किस तरह हेल्प कर सकता है, आपां पूरी कोशिश करते हैं उस दे विच होना। तो जिदा वीर जी होरां ने तुहानूं प्रॉपर तरीके नाल समझाया तो अगर किसी नूं जरूरत है जरूर इस चीज़ तक अप्रोच करन। जेकर मैं गल करा ऑफ कैमरे की तो मैनू एक चीज़ बेहद जी दिल नूं सुकून देण वाली सी कि अगर कोई भी बच्चा बाहर नूं उसकी फाइल जी एक्सैप्ट हो जाती है वो इत्थे तों प्लान करके बाहर चला जाता है तो अपनी जी सीखी है उन्होंने ना भुले, साबत सूरत जिदा वो इतने रह रहा है अपने परिवार के नाल अच्छी सेंध के नाल गुरसिखी जीवन बतीत कर रहा है। कोई कंपलशन नहीं है कि उत्थे जाके तुसी या दस्तार उतारनी है या केस कतल करने हैं, इदा की कोई भी चीज़ नहीं है। हर एक गौरमेंट एक प्रॉपर राइट देती है कि अपने रिलीजन के विच रह के तुसी या अब्रॉड स्टडीज़ कर सकते हो या तो काम कर सकते हो। ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी, एक मैसेज है पॉजिटिव सुनेहा कि अपनी सिक्खी नूं भी नाल नाल ही चलाना है, यह हमेशा साडा कंसैप्ट रहिंदा है। तो मैनूं ये चीज़ काफ़ी अच्छी भी है तइयों तुहाडे तक आपां पहुँचा रहे हाँ। फिर हुण आपां भैण तों भी भैण जी होरां तों भी जाणांगे कि अज दा जिहड़ा सैटअप है उन्हां तों भी दो शब्द जिहड़े अपने एक बाणी चैनल दे परिवार दे नाल जरूर सांझा करांगे। तां उसदे पहले तुहाडी राय तों लैण तों पहले मैं फिर तों दर्शकां नूं दसदा कि साडा कदी मकसद नहीं हुंदा कि किसे नूं ऐड करना या प्रमोट करना। कोई भी अपना कारोबार जद खोलदा साडा पहला कंसैप्ट हुंदा कि वह सिखिज़म नूं या जिहड़े साडे यूथ नूं उन्हां नूं किदां पॉजिटिव मैसेज दे के उन्हां दी हैल्प कर सकदा है। तो सब तों पहला मैं जी आए नूं आखदा एक बाणी चैनल ते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण मैं चाहांगा कि जिहड़ा इह कंसैप्ट है वह तुहाडे दिमाग दे विच किदां आया और तुसीं कितना हेल्प कर सकते हो।
सर मैं बेसिकली पिछले 10 साल तो टीचिंग प्रोफेसन से नाल मैं बेसिकली बिलोंग करनी हाँ अपने आउटस्कर्ट्स जिस तरह कि साडा सांबा डिस्ट्रिक्ट है उत्थे पिंड साडा करालिया है असी मैं उस एरिया च बच्चों से देखा कि बच्चों बहुत प्रॉब्लम्स आदि ने जो वो अपना फ्यूचर डिसाइड करना चाहते हैं उन्होंने ना प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी मेरे नाल गल करेगा या मेरी मतलब कि कम्यूनिटी के लोग ने वो मिलते हैं कि उन्होंने पता है कि मैं इस प्रोफेसन चा ना तो मैं कहे अगर तुम उन्होंने गाइड करोगे भी बच्चों ना बड़ा ज़्यादा मिसगाइड किया हो कोई कह देगा कि नहीं मैम असी डंकी लगा के चले जाने है ना तो मैनू एक कितना ना कि फील होया कि साढ़े जोड़े बच्चे हैं ना उन्होंने मतलब राइट जरा वो है एक चैनल नहीं मिल रहा तो इसलिए मैं पहले खुद स्टडी किया पूरा वेख्या कि मैं किस थ्रू मतलब अपने एरिया के बच्चों स्पैशली अपने सिख यूथ को किस तरह हेल्प कर सकनी हाँ। फिर मैं वेख्या कि इन्हों की जी क्रॉसलाइन एजेंसी है कंसल्टेंसी है इन्हों का बहुत वधिया वर्क सी तो मैं सोचा क्यों ना कि मैं इन्हों टाई अप करके इतने अपना वेंचर जोड़ा है स्टार्ट करिए ताकि अपने सिख जो भैन भरा ने इन्हों मदद हो सके। ठीक है, और जोड़े बच्चे ने उन्होंने अं चैनलाइज कर सकी कि अगर सपोज थोड़े को आइल्स या पीटी नहीं हो पा रही है साढ़े को भी बहुत ऑप्शनस असी पाथवे प्रोग्राम्स लै सकते हैं ना क्यों असी रोंग तरीके नाल जाना है ना क्योंकि तुम देखो डंकी नाल एक तो थोड़ी लाइफ भी रिस्क रहती है एक तुम अपने माँ बाप के पैसे भी वेस्ट कर दो तो क्यों ना साल एक इतें ही मेहनत करके असी जाइए प्रॉपर वधिया तरीके नाल जाइए तो लीगली उत्थे सैटल होइए है ना। तो दूसरी चीज़ ये मैं यही रिक्वेस्ट करांगी अपने सिख वीरां नूं कि अगर तुम जाते हो तो ही ये सोचो कि तुहाडी मावां ने किस तरह टाइम लगा के तुहानू सिक्खी च रख्या है ना तुहाडे जूड़े कर दिया ने सांभ के रख देना बाल तुहाडे केश सांभ सांभ के रख देना अगे जाके फॉरन तू ही भी इन्हां दी मतलब जिहड़ी इज्जत रखो पगड़ियां बनो और सोहने तरीके नाल अपनी सिक्खी का प्रचार करो बाहरलियां कंट्रीज़ भी जाके। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। तां जिदा कि भैन जी होरां ने बड़े सुचेचे ढंग दे नाल बड़े ही अच्छे तरीके नाल अपने विचार तुहाडे सामने रखे हन गल कीती आ मावां दी तो मावां दे जिगर दे टुकड़े होंदे उहनां दे पुत इत्थे रहिंदिआं भी वो हमेशा कोशिश करदियां कि वो अगे नूं वधण अगे नूं जाण ते इन्ना कुछ कष्ट झेल के अपनी जिंदगी दे उत्ते फिर वो सोचदे हन कि उहनां नूं बाहर भेजणा तां माँ प्यो दे लई भी एक ख्वाब हुंदा कि बच्चा अच्छे तरीके नाल बाहर जाना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा तुहाडा भैन जी कि तुसीं अपने जिहड़े शब्द हन वो एक बाणी चैनल दे उत्ते रखे हन। आखिरी सुनेहा फिर एक तू अगर कोई भी एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी के आता आप पुरजोर कोशिश करते हाँ थोड़े तक लैन की क्योंकि जिदे भी सानू लगता है कि सिखिज़म प्रमोट करना या साडे युवावां नू बेहद जरूरी है कि अच्छी अच्छी स्टडीज़ के उन्होंने दाखिला मिले कॉलेजेस के अच्छी अच्छी जॉब्स मिलन इसलिए अपनी कोशिश करके थोड़े तक ऐसे कंसैप्ट लैके आंदे मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा तुहाडा और एक आस दे नाल तुहाडे तों अलविदा मंगदा हाँ कि कोई भी ऐसे सिख यूथ जिहड़ा उन्हां दा रिफ्यूजल या ऐसा होया उन्हां नाल जिन्हां नाल वो जिहड़े दिमागी तौर तों जिहड़े डिस्टर्ब हन इस वक्त वो जरूर इतने आके एक बार भैन जी होर मिलन क्योंकि इन्हों का बहुत ही अच्छा कंसैप्ट जो इन्होंने चैनल के उत्ते रखे। मैं इन्ना ही अल्फाजों के नाल तुहाडे तों अलविदा मंगदा हाँ दियो असीसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। रंग रंग।